हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से मिले मेरे रिश्तेदारों को देखकर मेरे शरीर के अंग ढीले पड़ रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है। इस श्लोक में अर्जुन की आत्मिक और मानसिक दशा का चित्रण है। जब भक्त आत्मिक पथ पर कुछ दूर जाते हैं, उनका आरंभिक उत्साह धीरे धीरे कम होता है, उनकी इच्छा शक्ति के अंग ढीले पड़ने लगते हैं और उनकी आत्मिक सूझबूझ का मुंह सूखने लगता है। भक्त अपने ध्यान को शारीरिक और आत्मिक खुशियों के बीच बांटने का प्रयास करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि उनकी इच्छा और संकल्प शक्ति कमजोर पड़ जाती है। जैसे भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए पहले उसमें उगे अनावश्यक घास फूस को नष्ट करना पड़ता है, वैसे ही चेतना के क्षेत्र में भी अर्थहीन इंद्रिय सुखों आदतों को त्यागना बहुत कठिन होता है। इस अस्थिर दशा में भक्त को अपने संदेह और निराशा को त्याग कर विश्वास रखना होगा कि जब चेतना के क्षेत्र को गहरे ध्यान के बीजों से अच्छी तरह से बोया जाएगा, तो वह अनंत खुशी के फल उत्पन्न करने वाला ओमनी प्रेजेंस के रहस्यमय वृक्षों में बदल जाएंगे। इस प्रकार भगवद्गीता के इन श्लोकों का संदेश है कि आत्मिक उत्कृष्टता की ओर जाते समय भक्त को अपने आप में एक संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता है। ये एक ऐतिहासिक और आत्मिक संदेश है जो हर खोजकर्ता के लिए अमूल्य है। समझ